चले डी मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये डी मॉड्यूल पूरा पूरा क्रेडिट से रिलेटेड है। जो भी स्टाफ एडवांसेस में अच्छा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस रखते हैं या उस सीट पर बैठते हैं, उनके लिए बहुत स्कोरिंग है। हाँ ये है कि ये स्कोरिंग 15 टू 20 तक दे सकता है। कब दे सकता है? अगर आपके ये दो न्यूमेरिकल, और यहां पर थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल कभी कभी वो एनपीए से रिलेटेड भी पूछ लेता है, तो एनपीए रेशियो और वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के न्यूमेरिकल, ये तीन न्यूमेरिकल अगर आप करते हैं तो 5-5-15 मार्क्स के या 10-15 मार्क्स यहां ला सकते हैं। बाकी सारा थ्योरी का काम है, इसको आप जरूर पढ़ें। 100 पेज में टॉपिक दिए हुए, 100 पेज में से भी आप समझ लीजिए कि रीडिंग के टॉपिक मेरे ख्याल से 70 हैं, 70 पेजेस में हैं। आप इसमें जो है 10 घंटा दे दीजिए, ये आपको श्योर नंबर देगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है। जितना भी थ्योरी का चीज है एडवांस रिलेटेड है, बाकी जो भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं उन्हीं न्यूमेरिकल को फिर कन्वर्ट थ्योरी में करके भी क्वेश्चंस पूछ सकता है वो इस वाले टॉपिक में, ठीक है। और आपको क्या करना है, देखिए यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट एनालिसिस। बैलेंस शीट एनालिसिस का चैप्टर पूरा पढ़ के और उसमें खासकर से रेशियो को देखिए आप, ठीक है। फिर वर्किंग कैपिटल की जहां बात आई तो उसके बेसिक तरीके, फीचर और न्यूमेरिकल हो गया। ऐसे टर्म लोन में क्या है, टर्म लोन में कुछ तो रोल रेशियोज का है और बाकी कितने तरह के टर्म लोन होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में बता रखा है। डिलीवरी की लोन को देने के बाद कैसे देंगे, जैसे उसमें एंड यूज ऑफ फंड देखना है, आप सही आदमी को पैसा दे रहे हैं, उसको समय से पैसा देना है और इन एडिक्वेट फाइनेंसिंग नहीं करनी है, ये सारे नॉर्म्स जो है यहाँ पर डिलीवरी में आएंगे। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग का अगर बात करें तो उनका रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कैसा है, एनपीए की बात आ जाती है, क्योंकि ये रिस्क और कंट्रोल मॉनिटरिंग में एनपीए सुपरविजन सब कुछ आता है। इधर रिस्ट्रक्चरिंग और रिहैबिलिटेशन की बात करें तो उसमें आता है आपका सरफेसी और जो एक्ट वगैरह है, जिसमें एआरसी और स्पेशल पर्पज व्हीकल की बात की गई है, तो इसको जरूर पढ़ें। इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे, इस मॉड्यूल को पढ़ेंगे तो कम समय में यानी 10 घंटे में आप हो सकता है 15-20 बार। पढ़ना कैसे है, पढ़ने में आप लोग बिल्कुल सरसरी तौर पर नहीं पढ़ना है, इसको देखने में आपको लगता है रोज एडवांस होता है, जब आप एक एक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आएंगी जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। और इसमें दो चीजें और बता दूं मैं, पिछली बार जो है एक न्यूमेरिकल प्रायोरिटी सेक्टर का आया था जो कि 5 मार्क्स का आया था। प्रायोरिटी सेक्टर का न्यूमेरिकल भी इसमें है, क्योंकि जहां पे आपकी बात आती है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग की, डिलीवरी की बात आती है तो वहां पे टारगेटेड है आपके, एमएसएमई एक्ट की इसमें बात करी गई है, तो प्रायोरिटी सेक्टर का जो वीडियो है डिटेल वीडियो उसको देख लें, एनपी और प्रायोरिटी सेक्टर मिला करके। तो कुल मिला के ये बहुत आसान सा टॉपिक है, यूनिट है, सॉरी मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल में आप जरूर मेहनत करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको 7-day स्ट्रेटजी बता दी, यही स्ट्रेटजी 1 day में कन्वर्ट हो सकती है, यही स्ट्रेटजी 15 day में, यही स्ट्रेटजी 1 year में हो सकती है, कि जहां मैंने बताया ये चीजें होती सारी पढ़ ली तो 1 year स्ट्रेटजी हो गई, ठीक है। आपने कुछ चीजें पढ़ी तो 6 महीने की, इस तरह से अलग अलग स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और एग्जाम देने के बाद खास कर से आपको क्या इसमें इंप्रूवमेंट लगा, किस क्या आपको फायदा मिला इस वीडियो से, आप जरूर मेरे से शेयर करें, जिससे मैं आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए और भी इनपुट मैं दे पाऊं, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल में जितने वीडियोस हैं अपडेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और आखिरी में जो ऑफर है वो बेस्ट ऑफर, आपको पता है कि एग्जाम के समय में हम बहुत अच्छा ऑफर निकालते हैं और बहुत लोग उसको अवेल करते हैं, पास होते हैं, उसके बाद हमको धन्यवाद भी करते हैं वो लोग। तो उसके लिए आप जो है इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, 8077-22-7729, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको इस आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बार ये एग्जाम जरूर पास होंगे।